केरल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिन 18 फरवरी शुरू को मैं आपको लाए हैं कुछ आज कुछ खबरें खास आपके दिल को खुश करने वाली बातें लाए हैं। कहते हैं जब जब धरा से कोई मूर्ति निकलती है या नदी में बहती हुई मिलती है तो अधिकांश वह जैनों की ही मिलती है। ऐसा क्यों है? पिछले एपिसोड में बताया था हमने कि खुदाई के दौरान एएसआई द्वारा पूरा पूरी मूर्तियां नहीं पूरा पूरा जैन मंदिर निकल आया है एक। और आज हम बताते हैं धरा से हटकर आज नदियों की बात करते हैं, नदियों से निकलती हुई प्रतिमाओं की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं बहती हुई नदी से आई आदिनाथ प्रतिमा और अजैनों ने मानी इसकी महान महिमा। आज हम ले चल रहे हैं आपको दक्षिण में तमिलनाडु के अंदर कुडालोर से 2.5 किलोमीटर आगे चलते हैं, तब वहां पर आसपास कोई जैन नहीं है पर यह प्रतिमा जरूर एक आदिनाथ भगवान की यहां पर विराजमान है। कहते हैं नदी में बहती हुई यह आई तटा पर आकर ठहर गई और यहीं पर इसे विराजमान कर दिया। कपड़े पहना के लोग उसकी पूजा करते, कोई नया कार्यक्रम होता पहले यहां आके जरूर बात करते, ऐसे अजैन थे। कुछ त्यागी वृंद अभी आए यहां पर, जैसे आप दृश्य में देख रहे हैं, उन्होंने अजैनों को समझाया यह तीर्थंकर प्रतिमा है, दिगंबर रहते हैं ये, इन पर कोई कपड़ा नहीं होता। अब उन्हें समझा दिया है महीने में 2 बार अभिषेक होता है। जब यहाँ पे त्यागी वृंद आए उन्होंने यहाँ पर शांति धारा अभिषेक किया। जो अजय लोग यहाँ पर 2 बार अभिषेक करते हैं हमारी भाषा में, लेकिन उनके अनुसार वह हर 15 बार सफाई करते हैं। उनको समझा दिया है, बता दिया है, कहते हैं इसी तरीके से जागरूक करा तो जैनों की बात अपने आप, कहते हैं खिवैया मिल जाएगा इस नैया को। दो नदियों के संगम तट पर पारस प्रतिमा विनय के साथ स्थापित, अब बढ़ गई इसकी महिमा। जी हाँ, अब हम दक्षिण से सीधा पूर्व पे आते हैं, सराख क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, बांकुरा जिले की आपसे बात करते हैं। यह प्रतिमा यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं, यह कंसावल और दामोदर नदी का संगम है, यहाँ पर उसी के तट पर बहती हुई प्रतिमा यहाँ गई, यहाँ पर आकर ठहर गई और कहते हैं बरसों से यूं ही पड़ी है। पर्यटक आते हैं, देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब माघ कृष्ण चतुर्दशी को यानी प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के दिन भारत सरकार के सहयोग से तीर्थ संरक्षित महासभा ने इसका विनय के साथ स्थापित की है। कहते हैं इसकी महिमा को 2-4 नहीं अब तो कई चांद लगा दिए हैं। जब भी आए इस बार दर्शन जरूर कीजिएगा। केसर से लिखा ग्रंथ और बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ, गत महा आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी ने एक शास्त्र लिखा कर्म विपाक, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत शास्त्र लिखते हैं, पर इसको केसर से लिखा यह बड़ी बात बन गई। और फिर 16 जनवरी को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस प्रमाण मंत्र के साथ सम्मानित किया। ऐसा मंदिर कहीं और नहीं। जी हाँ, आपने बहुत मंदिरों के दर्शन किए होंगे, छोटे मंदिर के, बड़े मंदिर के, खंभों वाले मंदिर के, बड़े मंदिर के, अधिक मूर्तियों वाले, बड़े फड़ा मंदिर के, पर ऐसा मंदिर नहीं देखा होगा। जी हाँ, यह पाषाण से नहीं बना जो हमारे सारे मंदिर बनते हैं, यह बना है धातु का मंदिर। देख रहे हैं आप, चाहे दीवार है, खंभा है, मूर्ति है, सब ही की सब मंदिर धातु का बना है। आप तो कहेंगे जैसे पोर्टेबल मंदिर बना है, पर अजूबे मंदिर है, दिल्ली के पास नोएडा के अंदर यह है मंदिर। मंदिर छोटे छोटे, प्रतिमाएं बड़ी बड़ी, कहां पर? दृश्य देख रहे हैं आप इस समय मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के थुबोन जी से, बहुत प्रसिद्ध है मंदिर थुबोन जी से, 26 जिनाले हैं। खास बात है धरा पर मंदिर है, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के नहीं है और यही इसको अजूबा बनाते हैं। यानी धरा पर इतने छोटे छोटे, पर जिनाले छोटे और जिन बड़े बड़े, जिन बिंब इतने बड़े बड़े, देखकर खड़े खड़े मनवारी दृश्य देखते हैं आप यहां पर आकर। एक बार आइएगा, दर्शन करिएगा, अजब गजब कहते हैं चमत्कारिक दर्शन से मन मोह हो जाएगा। शूलिका मणिमति जी का समाधि मरण गत 13 फरवरी शनिवार को शूलिका मणिमति माता जी का समाधि मरण हो गया। आचार्य श्री मयंक सागर जी ने लगभग 10 दिन पूर्व संलेखना प्रदान की थी और उन्होंने जल के सिवाय समस्त प्रकार के आहार का त्याग कर दिया था। शनिवार दोपहर 11:30 बजे समाधि हुई। चैनल महालक्ष्मी व सांदे महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। आदिनाथ भगवान की तपोस्त्री पर हुआ आचार्य मिलन। कहते हैं जब जब संतों का मिलन होता है दिल बाग बाग हो जाता है। इस समय हम आपको दिखा रहे हैं दृश्य, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की तपोस्थली ज्ञान स्थली अंदाबा प्रयागराज के, जहां पर दो आचार्य संघों का मिलन हुआ।
आचार्य विपुल सागर जी, आचार्य भद्रबाबू जी सागर जी का संग, आज से आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के सत्संग का मिलन है। कहते हैं ऐसे दृश्यों को देखकर हम भावभीन हो जाते हैं और कहते हैं कि इन्हीं के द्वारा वात्सल्य प्रेम भक्ति से हम उनके बीज अंकुरित हो जाते हैं। आज झरोखे में इतना ही, फिर आपको नई नई खबरों के साथ, नई नई बातों के साथ मिलते रहेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेन्द्र।